हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ओवरस्मार्ट। दोस्तों, आज है हमारा idioms एंड फ्रेजेस सीखने का डे वन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डे वन वीडियो ऑफ idioms एंड फ्रेज। नाउ अगेन वेलकम यू टू द चैनल ऑफ ओवरस्मार्ट। ओवरस्मार्ट इज अ प्लेस वेयर यू कैन लर्न, एक्सप्लोर एंड ग्रो। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन आवर माइंड इज व्हाट आर idioms एंड फ्रेजेस। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है idioms एंड फ्रेजेस सीखने से पहले, अच्छा हम तो ये वीडियो देख लेंगे लेकिन idioms एंड फ्रेजेस होता क्या है, तो चलिए इसका डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। तो idioms exist in every language, they are words or phrases that aren't meant to be taken literally। इसका मतलब क्या हुआ, idioms हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं। idioms जिसे हम हिंदी में मुहावरे बोलते हैं, वो मुहावरे हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम हिंदी में ये बोलते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या उल्लू सीधे करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसे idioms ये मुहावरे हर लैंग्वेज में होते हैं। तो इंग्लिश में भी ये मुहावरे होते हैं जिन्हें हम idioms कहते हैं। वो कुछ नए नहीं है, बस हमें उन्हें सीखने की और उनकी मीनिंग जानने की ज़रूरत है। असल में क्या होता है, जब कोई ऑफिशियल आदमी हमसे बात करता है तो वो अपने बात को बहुत शॉर्ट करने के लिए idioms को यूज़ करता है और फ्रेजेस को यूज़ करता है, इसीलिए हमको वैसी इंग्लिश समझ में नहीं आती है। हम तो थोड़े टेढ़े मेढ़े इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन जब कोई अच्छा ऑफिशियल आदमी या ऑफिशियल इंग्लिश हम सुनते हैं किसी के लैंग्वेज, तो हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि वो idioms यूज़ करता है और हमें उसका मतलब पता नहीं रहता। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो ला रहा हूँ। तो चलिए अब चलते हैं। सेकंड वर्ड जो यहाँ पर लिखा होता है, दे आर वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस दैट आर इन मेंट टू बी टेकन लिटरली। इसका मतलब यही हुआ कि वो जो वर्ड्स या सेंटेंस रहते हैं उनको जो बोला जाता है उसी स्टाइल में लेना नहीं है। जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सुनने से कैसा लग रहा है कि जिसकी लाठी है और उसी की भैंस है, तो हम सुनने में तो यही लग रहा है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस। लेकिन इसका मतलब ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, उल्लू सीधा करना, उल्लू को ऐसा नहीं है कि उल्लू को पकड़ के सीधा कर देना, नहीं, बेचारा उल्लू मर जाएगा। उल्लू सीधा करना का मतलब होता है अपना मतलब निकालना, अपना काम निकालना। तो वैसे इंग्लिश में भी जो idioms होती हैं, वो वर्ड तो कुछ और रहती है, वो सेंटेंस तो कुछ और रहती है, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और रहता है। तो चलिए, आज का सबसे पहला idioms है हमारा अ मैन ऑफ एक्शन। इसका मीनिंग होता है अ मैन हु प्रेफर्स टू डू थिंग्स रादर देन थिंक अबाउट एंड डिस्कस देम। ठीक है, इसका मतलब हिंदी में मैं समझा देता हूँ। अ मैन ऑफ एक्शन का मतलब वो हुआ जो सोचने से ज़्यादा काम करता है। किसको महत्व देता है, सोच से ज़्यादा काम को महत्व देता है। कोई कोई होता है ना, सिर्फ सोचते रहता है क्या करे क्या करे, लेकिन कोई क्या होता है, सोचता कम है काम ज़्यादा करता है, तो उसी को बोलते हैं मैन ऑफ एक्शन, जो सोचे कम काम ज़्यादा करे। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए लेके आया हूँ। द कंट्री नीड्स अ पॉलिटिकल लीडर हु इज़ अ मैन ऑफ एक्शन। मीन्स एक देश को एक पॉलिटिकल लीडर, एक नेता चाहिए जो सोचने से ज़्यादा काम करे। आप इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स निकाल सकते हैं और ये ज़रूरी भी रहेगा आपके लिए कि आप इसका मीनिंग पढ़े, समझे और अपने से एग्जाम्पल्स बनाएं। दूसरा idioms है आज का, द एप्पल ऑफ वंस आई। इसे हिंदी में अगर मुहावरा से मैं पहले रिलेट कर दूँ, ये हुआ आँखों का तारा। इसका मीनिंग अब इंग्लिश में समझते हैं, द पर्सन ऑफ होम वन इज एक्सट्रीमली फॉन्ड फेवरेट। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये मेरा आँखों का तारा है, मतलब बहुत प्यारा है, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं द एप्पल ऑफ वंस आई। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी हैज थ्री चिल्ड्रन बट अ डिसेबल्ड सन इज द एप्पल ऑफ हर आई। मीन्स उसके तीन बच्चे हैं पर जो अपाहिज है, जो बच्चा उसका अपाहिज है, वो उसका आंखों का तारा है। ठीक है, अब थर्ड idioms से आज का हमारा बर्ड्स ऑफ फेदर। बर्ड्स ऑफ फेदर का मीनिंग होता है पीपल विद सिमिलर टेस्ट इंटरेस्ट एंड बैकग्राउंड। मीन्स एक तरह के, मतलब पीपल, एक ग्रुप के पीपल जो सिमिलर बैकग्राउंड के हैं। अगर एक बदमाश है तो हम समझ जाते हैं वो पूरा ग्रुप बदमाश, अगर एक सच्चा है तो समझ जाते हैं अच्छा उनका पूरा ग्रुप सच्चा है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम कैन नॉट बी ट्रस्टेड एज दे बोथ आर बर्ड्स ऑफ फेदर। मीन्स राम और श्याम हम दोनों को ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर राम बदमाश है, राम धोखेबाज है, तो श्याम भी धोखेबाज होगा, क्योंकि दोनों एक ही कंपनी के लोग हैं। एक ही कंपनी मीन्स वो दोनों एक ही साथ रहते हैं, एक ही ग्रुप के रहने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो दोस्तों, आज हमने तीन idioms पढ़ा, क्योंकि डे वन था, मैं आपको ज़्यादा हेडेक नहीं देना चाहता। इस तीन idioms को रिवाइज कर ले फिर से, अ मैन ऑफ एक्शन, द एप्पल ऑफ वन्स आई एंड बर्ड्स ऑफ फेदर। इस तीन idioms को आप रिवाइज करें, इसकी मीनिंग को पढ़ें और अपने से एग्जाम्पल्स बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और इसके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा जिसमें आप, जिसका नाम रहेगा इंग्लिश चिटचैट, और आप उसमें अपने इस एग्जाम्पल्स को ऑडियो फाइल में ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और मैं उसे रिव्यू कर दूंगा, बताऊंगा किसका गड़बड़ी हो रहा है किसका सही है। तो उसके लिए अपना नाम और नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं और डे वन के idioms एंड फ्रेजेस को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों idioms एंड फ्रेजेस डे टू में। ओके, थैंक्स।